वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वेज चीज़ सैंडविच बना रहे हैं, जिसके लिए हम सैंडविच ब्रेड ले लिए, एक बड़ी वाली, जितने लगेंगे उतने लेंगे। और हम ये चीज़ लिए, चीज़ स्लाइस है ये लगाएंगे। और गाजर लिए हम दो बड़े वाले, इसको कद्दूकस कर लिए। प्याज लिए एक, शिमला मिर्ची लिए एक, इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। मायोनेस लिए हम दो चमचे, बटर लिए हम दो से तीन चमचे लिए हम, काली मिर्ची एक चमचा लिए, नमक आधा चमचा लिए, चिली फ्लेक्स आधा चमचा लिए। अभी हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। पैन रख लिए हम, बटर डाल देंगे इसमें। अभी जो ये चीज़ें हैं ये डाल लेंगे, वेजिटेबल सारा डाल देंगे हम इसको। हल्का सा हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है हमको इसको, बस क्रंची हुए रहने तक ही पकाना है इसको, क्रंची करना है इसको बस। और ये सैंडविच बहुत टेस्टी बनती, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते, बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते, बहुत झटपट बनने वाली सैंडविच है ये। हम इसको सैंडविच मेकर में नहीं बना रहे, हम इसको ग्रिल पैन पे बनाएंगे। अगर ग्रिल पैन ना हो तो नॉर्मल पैन पे भी बना सकते हैं, झटपट बनने वाली सैंडविच और जल्दी बनने वाली है। अभी ये हाफ पक गया, हम इसमें मसाले डाल लेंगे, नमक, काली मिर्ची, चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। चाहे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, वेजिटेबल में कॉर्न ले सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके हम निकाल लेंगे। अभी इसको हल्का सा हम ठंडा करेंगे, इसमें मायोनेस मिलाएंगे। दो चमचे लिए हम मायोनेस, एगलेस है ये। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम अच्छे से मिक्स कर लेके रख लिए इसको साइड में। अभी हम ब्रेड निकालेंगे। ये ब्रेड है, ये एकदम फ्रेश है ये ब्रेड। ये दो भी हम ये साइड रख देंगे। अभी इसमें ये लगाएंगे, चाहे तो केचप भी लगा सकते हैं, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा रही। इस तरह से हम लगा देंगे इसको, चारों तरफ लगाना है। अभी हम दोनों को लगा लिए, दोनों पे अच्छे से हम अभी चीज रखेंगे। ये चीज रखेंगे हम, इसको इस तरीके से निकालेंगे। आराम से इसको निकालना है। इस तरह से इसे हम निकालेंगे और इस पे रखेंगे, इस तरह से। दूसरी वाली भी ऐसे ही रख लेंगे हम, दूसरी वाली भी हम रख लिए। अब इस पे हम ब्रेड स्लाइस रखेंगे, इस तरह से भी रख देंगे हम। अभी हम इसको ग्रिल पैन पे सेकेंगे। पैन रख लिए हम, बटर डालेंगे, इसको पूरा फैला देंगे चारों तरफ। अभी हम सैंडविच रखेंगे, ये साइड से इसको 3 मिनट पकाएंगे हम। माशाल्लाह ये साइड से हो गया, हम दूसरी साइड भी कर लिए इसको। अब फिर से बटर डालेंगे हम, चारों तरफ लगाएंगे। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत भी बहुत अच्छी बनती है। माशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर बनाइए,
ग्रिल पैन नहीं है तो सादे पैन पे भी हम आराम से बना सकते हैं। इस तरह से हमको पुश करना है दूसरी साइड से भी। और आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये एक हो गई हमारी, हम इसको निकाल लेंगे, दूसरी भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए माशाल्लाह बहुत भी बहुत अच्छी बनी, यम्मी बनी है। आप लोग भी ज़रूर बनाइए। अभी हम प्लेटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे वेज चीज़ सैंडविच बनके तैयार है। आप लोग भी ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जज़ाकअल्लाह।